नमस्कार दोस्तों, आज का कॉल हमें लेबर कॉलोनी से आया और यहाँ पे किसी सांप को घर में देखा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। और सांप ड्रेसिंग टेबल के पीछे देखा गया था, तो दोस्तों काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी हमें सांप यहाँ मिल नहीं रहा है। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं सांप को ढूंढने की। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंटू स्नेक सेवर में। जैसे कि दोस्तों अब ड्रेसिंग टेबल को हम पलट के देखेंगे क्योंकि इसके पीछे तो सांप दिखा नहीं, यहाँ पर आंटी जी ने बताया था। हो सकता है सांप इसके नीचे बैठा हो क्योंकि इसके नीचे अच्छी खासी जगह है और ऐसा लग भी रहा है कि इसके नीचे सांप मिल जाएगा। और दोस्तों जैसा कि सांप अंदर मिल चुका है देखने को और ये जहां तक कि रेड स्नेक लग रहा है अंदर से देखने में, चलिए दोस्तों से बाहर निकालेंगे उसके बाद पता चलेगा ये कौन सा सांप है। और दोस्तों ये एक बेबी रेड स्नेक है और ये भी काफ़ी छोटा है अभी। और इस टाइप के सांप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं गर्मी में। चलिए दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं आराम से। और ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है क्योंकि गर्मी होने के कारण ये खतरनाक हो जाते हैं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है जिससे अब ये हम एडिट कर रहे हैं, तो माइंड ना करें अगर गर्मी में आपको लग रहा है कि गर्मी क्यों बोल रहा हूँ मैं। दोस्तों इन वन्य जीव प्राणियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करें क्योंकि इनका पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल सिंटू स्नेक सेवर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।